डीआईजी सुनील पारस्कर पर रेप केस में एक नया मोड़ आ गया है। मॉडल के पूर्व वकील ने क्राइम ब्रांच को बताया है कि डीआईजी के ऊपर बलात्कार जैसे संगीन आरोप पब्लिसिटी के लिए लगाए गए हैं। आज तक के पास मौजूद है मॉडल और उसके पूर्व वकील के बीच हुई बातचीत का सीसीटीवी फुटेज। डीआईजी सुनील पारस्कर पर बलात्कार के आरोप क्या मशहूर होने के लिए लगाए गए थे? अगर ये सवाल आरोप लगाने वाली मॉडल के पूर्व वकील से पूछेंगे तो जवाब मिलेगा हाँ। मॉडल के पूर्व वकील का दावा है कि मॉडल के सारे आरोप झूठे हैं और सिर्फ विवाद खड़ा करने के लिए डीआईजी को घसीटा गया है। जो मेरी क्लाइंट है वो मेरे पास पिछले 2.5-3 साल से आ रही हैं। इनके काफ़ी सारे मैटर्स में मैंने इनको हेल्प किया है। ये जो मैटर था ये एक बड़ा शो है जिसमें कॉन्ट्रोवर्शियल कंटेस्टेंट्स को लेते हैं, तो ये उस बुनियाद पे उस बेस पे मेरे पास आई थी कि कुछ कंट्रोवर्सी क्रिएट करना है और एक केस बनाना है उनको। मॉडल के पूर्व वकील रिजवान सिद्दीकी सोमवार को क्राइम ब्रांच की महिला अपराध शाखा में अपना बयान रिकॉर्ड कराने पहुंचे थे। इस मामले में सुनील पारस्कर को पहले नोटिस उन्होंने ही भेजा था, लेकिन बाद में पीड़ित मॉडल ने रिजवान सिद्दीकी पर भी आरोप लगाए कि वो पारस्कर से मिल गए हैं, इसलिए उनका बयान दर्ज किया गया। सिद्दीकी ने पीड़ित मॉडल के उनसे मिलने की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग, बातचीत की ऑडियो रिकॉर्डिंग, चैट और मैसेज की डिटेल क्राइम ब्रांच को सौंपी है। जरा आप भी डीआईजी के खिलाफ शिकायत करने वाली मॉडल और उसके पूर्व वकील के बीच बातचीत सुनिए। तुम सोचो कि हम किसी को कैसे फंसा सकते हैं, मुंह में कैसे होता है, वैसे वाला तुमको हिला रहा है ना? बलात्कार का जिक्र फर्स्ट टाइम हुआ है 22 तारीख की रात को। उसके पहले तो बलात्कार वर्ड भी नहीं था। इनको इनके साथ में कोई जाति भी है उस तरीके से, मोलेस्टेशन की भी तरीके से, वो भी नहीं था। इस बारे में मुझे कोई इल्म भी नहीं था, उन्होंने कभी बताया भी नहीं, ना ईमेल पे बताया, ना एसएमएस में बताया, ना पर्सनल मीटिंग्स में बताया, कहीं नहीं बताया। जब तय हो गया कि मोहरा सुनील पारस्कर को बनाना है तो उसे लेकर प्लानिंग की गई। तो क्या ये सब कुछ पब्लिसिटी के लिए था? आगे पूरा माजरा समझ में आता है। तो दो तीन चीजें होंगी। एक तो सबसे पहली बात, इसको बदनाम हो जाएगा। ओके, पूनम पांडे के साथ तुमको इसको लिंक करने की, पूनम पांडे को इसको लिंक लेके वो इंडिया की बात में जाके यूज कर सकते हो तुम। तुमको पूनम पांडे को अटैक करना है किसको? अब सवाल ये कि पूनम पांडे की एंट्री क्यों हुई? वजह है दोनों की आपस में प्रतिद्वंदिता। इनके जो भी जिधर भी ये काम मांगने जाती हैं वहाँ पे पूनम पांडे को काम मिल जाता है, तो इनको ये शक है कि पूनम पांडे और इनके बीच में काफ़ी लोग हैं जो कॉमन है, जो पीआर एजेंसी है वो कॉमन है, जो इनका इंटरनेट का वेबसाइट संभालती है वो कॉमन है। तो इनको लगता है कि पूनम पांडे इनका सारा काम ले जा रही है और पूनम पांडे की वजह से इनको काम नहीं मिल रहा है, तो ये पूनम पांडे को उनका करियर ख़त्म करने के चक्कर में इन्होंने ये सब केस बनाना चालू किया था। बातचीत के एक हिस्से में मुंबई के पुलिस कमिश्नर राकेश मारिया की भी चर्चा है। मतलब ये कि मशहूर होने के लिए पुलिस के इस्तेमाल की भी पूरी तैयारी थी। ये वाकई गौर करने वाली बात है कि पूर्व वकील के साथ कथित बातचीत में कहीं भी मॉडल ने बलात्कार या छेड़छाड़ का जिक्र नहीं किया है। कहीं ना कहीं इस मामले में अब एक नया मोड़ आ गया है, काफ़ी गंभीर मसला है और अब सबकी निगाहें क्राइम ब्रांच की जांच पर टिकी होंगी कि आखिरकार क्राइम ब्रांच की जांच में क्या कुछ सामने आता है। लेकिन कहीं ना कहीं ग्लैमर की दुनिया की गंदगी एक बार फिर से सामने आई है। कैमरामैन राजू रवनकर के साथ मुनीश पांडे, मुंबई आज तक।